हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम HRTC कंडक्टर एग्ज़ाम के लिए जनरल साइंस और GK के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और आई होप कि ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल हो और आप इस क्लास को देखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो अभी जा कर के देख लें, उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं और जनरल नॉलेज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द बाल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आर 14 जुलाई, 14 अक्टूबर, 14 नवंबर या इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आर 9 जनवरी, 1 फरवरी, 12 मार्च या 15 अगस्त। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आर 21 जनवरी, 13 जनवरी, 12 जनवरी या 15 जनवरी। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आर 12 अक्टूबर, 12 नवंबर, 18 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 5 इज द बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है। ऑप्शंस आर मजदूर दिवस, गणतंत्र दिवस, महिला दिवस या शहीद दिवस। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, गणतंत्र दिवस। बीटिंग द रिट्रीट का संबंध गणतंत्र दिवस से है। देन क्वेश्चन नंबर 6 इज द विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है। ऑप्शंस आर चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, देन भारत, इंडोनेशिया। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, भारत में विश्व डाकघरों का सबसे बड़ा जाल पाया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोहन जोदड़ो कहाँ स्थित है। ऑप्शंस आर सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश या पंजाब। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, मोहन जोदड़ो सिंध में स्थित है। देन क्वेश्चन नंबर 8 इज द महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि का सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की। ऑप्शंस आर दांडी, अहमदाबाद, खेड़ा या चंपारण। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, चंपारण। चंपारण इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 9 इज द CAT, कैट का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शंस आर कैश और डेली, कंप्यूटर ऑल डिज़ाइन, कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन या कॉल ऑल डिज़ाइन। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जय हिंद नारा किसने दिया था। ऑप्शंस आर सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने या इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। देन क्वेश्चन नंबर 11 इज द गांधी इरविन समझौता किस से संबंधित है। ऑप्शंस आर सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग, खिलाफत आंदोलन, रॉलेट आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है। ऑप्शंस आर गोरखपुर, आगरा, इलाहाबाद या लखनऊ। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर। देन क्वेश्चन नंबर 13 इज द अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है। ऑप्शंस आर देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि, क्रोष्टी लिपि या ब्रह्मी लिपि। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मी लिपि। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शंस आर मैसूर, हैदराबाद, वाराणसी या उज्जैन। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में स्थित है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई। ऑप्शंस आर 1900 ईस्वी में, 1988 ईस्वी में या 1999 ईस्वी में। एंड द करेक्ट आंसर इज द 1988 में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शंस आर 4, 5, 6 या 7। एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, 6 राज्यों से होकर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 गुजरती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शंस आर त्रिकूट,
धवलगिरी, गौरी शंकरिया, सागरनाथ एंड द करेक्ट आंसर इज़ द ऑप्शन नंबर ए त्रिकूट, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में त्रिकूट के नाम से प्रसिद्ध है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है। ऑप्शन आर सितार, सरोद, शहनाई या तबला एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए सितार से अमीर खुसरो का नाम संबंधित है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है। ऑप्शन आर डांडिया, कुचिपुड़ी, बॉस नृत्य या विदेशी एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए डांडिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द निम्न में से लीप वर्ष है 1998, 1994, 1876 या 1758 एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी 1876। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है। ऑप्शन आर टीकाकरण से, अनौपचारिक कर्मचारी से, ई गवर्नेंस से या महिला सुरक्षा से एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है। देन क्वेश्चन नंबर 22 इज द सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन आर बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान या नेपाल एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी नेपाल। देन क्वेश्चन नंबर 23 इज द सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। ऑप्शन आर बिंबिसार, हर्षवर्धन, पुष्यमित्र या अशोक ने एंड द करेक्ट आंसर इज द अशोक। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। ऑप्शन आर पात्रेटी ने, विलियम जॉन्स ने, जेम्स प्रिंसिप ने या उपरोक्त में से कोई नहीं एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। देन क्वेश्चन नंबर 25 इज द चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था। ऑप्शन आर जैन धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे। ऑप्शन आर मुद्राएं, कपास, कांस्य औजार या जौ एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी कपास के उत्पादन में हड़प्पावासी सबसे आगे थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सबसे पुराना वेद है। ऑप्शन आर सामवेद, ऋग्वेद, अजुर्वेद, यजुर्वेद, अथर्वेद एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है। ऑप्शन आर एमैनुअल को, मेजिनी को, गैरिबाल्डी को या कैवोर को एंड द करेक्ट आंसर इज द मेजिनी। मेजिनी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द महान सम्राट अशोक किस वंश के थे। ऑप्शन आर गुप्त वंश के, मौर्य वंश के, शुंग वंश के या पल्लव वंश के एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यश भारती सम्मान किस भारतीय राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त है। ऑप्शन आर पंजाब सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा या उत्तराखंड के द्वारा एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन आर जे एल बियर्ड ने, मैकमिलन ने, जेम्स वॉट ने या इनमें से कोई नहीं एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए जे एल बियर्ड ने। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हड्डियों और दांतों में से जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन आर कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम बोरेट, कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम सल्फेट एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम फॉस्फेट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किस अमल का उपयोग निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में, कौन सा एसिड यूज़ किया जाता है। ऑप्शन आर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड एंड द करेक्ट आंसर इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है। ऑप्शन आर नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन एंड क्रिप्टन एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 35 इज द खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। देन ऑप्शन आर
कार्बन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन एंड बोरोन, एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, कार्बन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है क्योंकि ऑप्शन आर यह सस्ती होती है, कम भारी होती है, उड़न क्षमता अधिक होती है, यह हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है. एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है क्योंकि हीलियम गैस हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है. देन क्वेश्चन नंबर 37 इज द कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्शी गैस उत्पन्न होती है और अधिकांशतः कोयला खदानों में पाई जाती है, उस गैस का नाम क्या है. ऑप्शन आर इथेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड. एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, मीथेन इज द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है. ऑप्शन आर एसिटिक सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एसिटिक एसिड. एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक एसिड. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है. ऑप्शन आर लैक्टोमीटर, मैनोमीटर, पिरोमीटर या टेकोमीटर. द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है. देन क्वेश्चन नंबर 40 इज द बल्ब का आविष्कार किसने किया था. ऑप्शन आर रदरफोर्ड ने, फ्लेमिंग ने, एडिसन ने या ओम ने. एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डीएनए की खोज किसने की थी. ऑप्शन आर प्रोफेसर चंद्रशेखर ने, वॉटसन एंड क्रिक ने, डॉल्टन ने या खुराना ने. एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, डॉल्टन ने डीएनए की खोज की थी. डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था. ऑप्शन आर वाटरमैन, जिलेट, फेराडे एंड लैंड स्टीनर. इन द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था. ऑप्शन आर पास्कल, जे पी एकर्ट ने, चार्ल्स बैबिस ने, कल्याडर शेषत ने. एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, जे पी एकर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कौन सी धातु कॉपर सल्फेट घोल से अभिक्रिया नहीं करती है. ऑप्शन आर आयरन, सिल्वर, मैग्नीशियम एंड जिंक. एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो. ऑप्शन आर यह गैस को अवशोषित कर लेता है, क्लोरीन गैस निकलती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, कैल्शियम क्लोराइड बनता है. एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्लोरीन गैस निकलती है. देन क्वेश्चन नंबर 46 इज द निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है. ऑप्शन आर प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, कोयला या चारकोल. एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, चारकोल. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है. ऑप्शन आर कॉर्निया, उपतारा, दृष्टिपटल या श्वेतमंडल. एंड श्वेतपटल. एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, उपतारा. नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन उपतारा करती है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण यंत्र को कहते हैं. ऑप्शन आर रेफ्रिजरेटर, रेडिएटर, कार्बोरेटर या जीएम काउंटर. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रेडिएटर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है. ऑप्शन आर अक्रिय गैसें, वायु, प्लाज्मा एंड जलवाष्प. एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा. देन क्वेश्चन नंबर 50 इज द जिप्सम के सबसे विशाल भंडार देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं. ऑप्शन आर मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका या तमिलनाडु. एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान. ये आपके 50 क्वेश्चन थे जो आपके HRTC कंडक्टर के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं. तो जल्द से जल्द आप ये क्लास देख लीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें. बाय बाय, टेक केयर.